अभी हम मिनी सचिवालय के सामने है करनाल में। अभी अभी कुछ देर पहले जो है किसानों के जो नेता हैं वो अपने डेलीगेशन के साथ वापस आए हैं और अंत में ये जो हमें जो जानकारी मिली है वो ये है कि सरकार और प्रशासन के बीच में जो दूसरे दौर की जो बातचीत है वो भी जो है पूरी तरीके से फेल हो गई है। प्रशासन जो आरोपी हम कहें प्रशासक हैं, आरोपी जो अफसर हैं, उनके खिलाफ किसी भी तरीके की कार्रवाई से मना कर दिया है। यही बात जो है बरक्ष हम कहें कि जो है मुआवजे पे भी लागू होती है और मुआवजे के फंड पे भी जो है सरकार ने मना कर दिया है। यहाँ पे अगर मैं बताऊँ आपको तो राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चढ़ूनी और योगेंद्र यादव जैसे नेता हैं, उन्होंने बताया कि जो है हमारे पास अब आंदोलन को जारी रखने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा है। या सरकार मतलब जितनी भी इसकी गुंडागर्दी है, जितनी इसमें गुंडागर्दी की ताकत है, जमा सारी लगान लाग रही है। इसका कोई भी अच्छा काम तो इसका कोई एक भी नहीं है। जी दिन तक यू खट्टर सरकार कुर्सी पर बैठा था उदने तो हरियाणा के उल्टे दिन गिनती शुरू हो गई थी और भारत की उल्टी गिनती शुरू दिन हो गई थी जिस दिन मोदी बिठा दिया था। और आज हमें बोल रहे हैं खट्टर सरकार की कोई सबूत नहीं है उनके खिलाफ। अरे उनका सबूत तो वो गुंडे की भांति चिल्ला रहा था SDM, सारे देश ने देखा है सबूत। तो कितने IAS ऑफिसर थे जो आके खुद उसकी निंदा कर रहे थे। एक इतनी जिम्मेवार इंसान को ऐसे शब्द पब्लिक में नहीं बोलने चाहिए थे। और कानून में हमेशा लिखा होता कि अगर गोली भी चलानी है तो घुटने से नीचे नीचे चलानी है। ये सिर्फ फोड़ने की तू कौन सी भाषा, ये कहाँ से कौन से कानून पढ़ के आया है? मुझे लगता है ये खट्टर का, मोदी का और ये SDM जो बोल के आया, इनका कानून ही अलग। अगर परिणाम के रूप में देखे तो कुछ नहीं निकला, लेकिन बात बहुत देर तक हुई और उसमें बात में सबसे ज्यादा जो दिक्कत आ रही है वो ये है कि सरकार वो जो आयुष सिन्हा IAS यहाँ SDM थे उनके खिलाफ कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। और हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मसला है क्योंकि विवाद इस बात पे है कि आज जिनकी जिम्मेदारी रूल ऑफ लॉ और कानून को लागू करने की है वो तो उसका उल्लंघन कर रहे हैं और हम रूल ऑफ लॉ को एनफोर्स करवाना चाह रहे हैं कि एक अधिकारी कैसे कह सकता है पुलिस को कि किसानों के सिर तोड़ दो, और फिर वो सिर तोड़ दिए जाते हैं। 25-30 लोगों के सिर टूटे हुए हैं लाठियों से पुलिस की, और बाकी इसलिए बच गए क्योंकि हमारे जो सिख भाई हैं उनके सिर पे पगड़ी होती है, वरना तो कितने ही सिरों को वो फोड़ चुके होते। तो इस प्रकार का अधिकारी सर्विस रूल्स में भी अलाउड नहीं है और ये एक आपराधिक कृत्य है उसके स्तर के ऊपर। तो हम ये चाह रहे हैं कि मुकदमा भी दर्ज हो और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी उसके। वो ये कहते हैं हम इंक्वायरी किए बिना कोई एक्शन नहीं ले सकते। हम ये कह रहे हैं इंक्वायरी करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप FIR दर्ज करें कि एक घटना घटी है आपके सामने, उसकी लिखित कंप्लेंट दी जा चुकी, तो आप तफ्तीश कैसे करेंगे जब उसको FIR ही नहीं मान रहे हैं तो? और एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कैसे करेंगे अगर सस्पेंड नहीं करेंगे तो? पूरे 40 साल के आंदोलन के अनुभव में आयुष सिन्हा जैसे SDM जो खुलेआम पुलिस को बोलते हैं कि किसानों के सर फोड़ो, ये जो सूचना देते हैं, इस प्रकार के SDM पिछले 40 साल में पूरे देश में मैंने कहीं भी नहीं देखे। और इनकी बहुत कड़ी निंदा तो पूरे लाखों किसान यहाँ करनाल में कर रहे हैं, कल से कर रहे हैं, 28 तारीख से कर रहे हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको बोलना चाहता हूं, मेरा 40 साल का अनुभव ये भी कहता है कि कोई भी SDM इस प्रकार के आदेश ऊपर के राजनैतिक नेताओं के अनुमति के सिवा इस प्रकार के आदेश कोई भी SDM नहीं दे सकता। और इसके लिए आयुष सिन्हा ये तो जिम्मेदार है ही, उनके ऊपर कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। हम तो कहते हैं उनको डिसमिस करना चाहिए। सुशील हमारे जो काजल जो हमारे शहीद हुए किसान उसी 28 तारीख के पूरे लाठी हल्ले के बाद, तो उसका बदला लेना ही चाहिए, इनके ऊपर 302 का मुकदमा लगना चाहिए। लेकिन साथ में इनके पीछे और क्लियर बात है, मुख्यमंत्री जी खट्टर साहब उस दिन 28 तारीख को करनाल में आने वाले थे, उन्हीं ने ये पूरे आदेश दिए थे, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए।
ये अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से और संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से हम ये मांग आज कर रहे हैं। और 3 घंटे तक बातचीत होने के बाद हमारे वही 3 पॉइंट थे जो पहले आपको बताए गए, वही 3 पॉइंट थे। 1, दोषी अधिकारियों के ऊपर मुकदमा दर्ज हो और उन जो SDM है उसको तुरंत सस्पेंड कर दिया जाए। और दूसरी मांग, घायलों का मुआवजा, टूटी हुई गाड़ियों का मुआवजा। और तीसरा, जो भाई की डेथ हुई है उसको 25 लाख रुपए मुआवजा और उसके परिवार के 1 मेंबर को नौकरी। ये हमारी 3 मांगें थी। पहली मांग जो है अभी वही 3 दिन से उसी में पेश फंसा हुआ और आज भी 3 घंटे की मीटिंग 3 राउंड में हुई। 2 बार उन्होंने सरकार से बात की और गवर्नर साहब जो है वो कमिश्नर साहब बीच में आए, लेकिन बात वहीं की वहीं है, एक कदम आगे नहीं सरके। सरकार और प्रशासन दोनों अपने अधिकारी का बचाव कर रहे हैं, ना वो पर्चा दर्ज करने के लिए सहमत हुए ना सस्पेंड करने के लिए सहमत हुए। और ये सारा कुछ ना करने के बाद हमने जो फैसला लिया है वो जैसे हमारा घेराव चल रहा है ऐसा हमारा घेराव अभी चलता रहेगा। और आगे इस पे क्या करना है, इसको आगे इसमें क्या हमने कदम रखना है, वो सारे संयुक्त मोर्चे की मीटिंग और हरियाणा के जो बाकी संगठन है उन सब की मीटिंग बुला के अगला फैसला लिया जाएगा कि अगला हमने क्या करना है।